सो वेल गाइस, मैं हूँ मोडी जे और आज मैं प्ले करने वाला हूँ फ्री फायर। सो चलिए हम लोग स्क्वाड में खेलने वाले हैं, तो मैं थोड़ा स्क्वाड में इसको कर लेता हूँ एंड देन फिर स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेटेड टाइम कितना लगने वाला मुझे नहीं पता, बेसिकली 15-20 सेकंड तो लगते ही हैं, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो यहाँ हमारी टीम बन चुकी है और हम जंप करने वाले हैं। देखते हैं हमारा टीममेट हमें किस मैप पे उतारता है, मैप में कहाँ किस जगह पे उतारता है लोकेशन पे। मेरे ख्याल से हम लोग जाने वाले हैं मेल। शायद मेन सबसे सेफेस्ट जगह है, इधर हम लूट भी अच्छी कर सकते हैं। राइट, वी आर गोइंग टू तो यहाँ पे हम जंप कर चुके हैं। हम पहले लूट करेंगे और फिर देखते हैं हम लोगों को कैसे किल करते हैं। ये मेरा फर्स्ट गेम प्ले है फ्री फायर में, मुझे नहीं पता मैं कैसे खेलने वाला हूँ। तो इधर काफ़ी बंदे भी हैं, देखते हैं हम सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं। अगर हमसे ज़्यादा खुद दो बंदे हुए तो हम गए। लूट में तो अपनी हवस दिखाई देता हूँ मैं। हमारे पास अभी तक बेसबॉल बैट आई है और शायद एक गन यूएमपी है। तो मुझे ऊपर एक बंदा दिख रहा है, अभी वो छुप गया है, अब मुझे दिख गया है वो, देखते हैं उसको। तो ये हमारा फर्स्ट बंदा जो है हम किल कर चुके हैं। अब मेरी हेल्थ काफी डाउन हो चुकी है तो मुझे हेल्थ किट भी चाहिए। मेडिकल है ना, मार मार कपड़ हर के दे। तो हमारी हेल्थ धीरे धीरे अब रिकवर हो चुकी है और हम टीममेट के साथ जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये श्रिंक भी होने वाला है सेफ जोन। फ्री फायर में मुझे जो लगता है थोड़ा बहुत लैग तो होता है। अब इसकी डेड बॉडी से जितनी भी चीजें हो सकती है हम ले लेते हैं। कहा ना कौन बटे हाथ रे, हमें 2x स्कोप भी मिल चुकी है। अब टीम के साथ फॉर्म अप करते हुए एक साथ चलते हैं हम। देखते हैं कुछ किल कर पाते हैं। तो इधर से तो हमारे टीममेट सारा कुछ लूट चुके हैं। शायद इधर एक मुझे मेडकिट दिख रहा है, तो ये हमें मेडकिट मिल गई। अब मेरे पास एटलीस्ट एक मेडकिट तो है। तो मुझे उधर कुछ कलेक्टेबल्स मिल रहे हैं। ठीक है,
भाई मेरा टीम में दुखी हो जाता है जब मैं उससे पहले कुछ चीज लूट देता हूँ। एक टीममेट हमारा बहुत आगे निकल चुका है तो ये सेफ नहीं है क्योंकि हम लोग काफी दूर है। अगर वो नॉकआउट हो गया तो हम उसको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और वो नॉक हो गया और उसको किल भी कर दिया। ओके ना जाओ गोटे कहे ना चार फूल ऊपर ऊपर तो एक ही ठुआ है। ये बंदा गया कहां पता नहीं। आने जा भाई किला करवा दे मौके। तो अब चलते हैं जरा किल करने के लिए। काफी ज्यादा बुलेट्स और इक्विपमेंट्स हो चुके हैं हमारे पास। वो तो बम मार रहा है सामने सामने मार। अब उधर हमारे टीममेट्स को जो है कुछ बंदे दिख चुके हैं तो वो आगे पंगे लेने के लिए पहुंच गए। चलो हम भी चलते हैं थोड़े पंगे लेके आते हैं। ऊपर यार ऊपर यार ऊपर जाना बंदा मारे मैदान तो बंदा मारे। इधर मुझे एक नॉकआउट बंदा दिख रहा है ऊपर है ऊपर शायद वो किसी से हेल्प लेने के लिए जा रहा है। रिकवर उसको देने के लिए कोई ना कोई तो बंदा होगा उधर। चलो देखते हैं अगर वो होगा तो उसको भी किल कर देंगे। हाँ इधर एक बंदा है जो उसको रिकवरी दे रहा था मैंने उसी को जो है नॉक कर दिया। हमारे टीममेट भी इधर आ चुके हैं। अभी तो मैं दूसरे बंदे को किल करने के लिए जाता हूँ तभी मुझे दिखाई देता है राइट साइड में जो है एक बंदा है जिसके मैं थोड़े बहुत जो है बुलेट्स मारता हूँ बट मुझे इस घर में एक छिपा हुआ बंदा भी दिखाई देता है जिसको मैं कट कर देता हूँ। और इसकी अस्थियों से जितनी माल हो सकती है मैं बटोर लेता हूँ। उधर मेरा जो है एक टीममेट वो उधर से नॉकआउट हो चुका है मैं उसको जाके बचाता हूँ। एक बंदे को तो नॉकआउट कर दिया है। जवाना ले रहा बंदा है देखा उरे बांदा मारा तो था। पता से मारा ना एक ध्यान ऊपर खाते ना। आओ ना हेल्प दे। मुझे नहीं पता कि भैया इसमें ग्रेनेड कैसे फेंका जाता है। हेल्प दे रहा है। थोड़ा स्लो है बट मैं इसको देखता हूँ नॉकआउट कर रहा हूँ। हेल्प दे वाला तोड़े के हेल्प देना मैदान। और फिर वही अस्थियों से लूटना मारलाक नहीं है ना रेगा नहीं धार मेडी दो ना मेडी ना कुछ ना मेडी ना ये बहुत चौदा कील के जवाना ये को गोना के लावा जीत बावा मेडी दो ना लेना मेडिकल ना ठड़ा हो सामने। तो इधर हम फिर चल रहे थे कि मुझे एक बंदा इधर दौड़ता हुआ दिखाई देता है। मैं उसको थोड़ी बुलेट्स मारने की कोशिश करता हूँ बट वो भाग जाता है। रुक ना दानिल काटी लेके जा। वाह मेरी स्नाइपिंग एबिलिटीज तो गजब की है। 10 में से एक ही बुलेट में मार पाता हूँ। और ये मुझे कोई शूट कर रहा है मुझे नहीं पता कहाँ से कर रहा है। मैं एक स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ और मैं लेट जाता हूँ बिकॉज मैं अभी मरने ही वाला था। अब मैं अपने आप को हील करूँगा पहले
और वो बंदा जिसको मैं मारने के कगार पे था वो बंदा मुझे उधर देख रहा था शॉट करने के लिए, बट मैंने हीलिंग नहीं फटाफट और उसी को नॉकआउट कर दिया। तो सारे टीममेट जो हैं हमारे जिसको मैंने नॉकआउट किया उसी की अस्थियों को लूटने के लिए निकल पड़े हैं। ना ठड़े रहना तोतली फलाने टोड़ेला इधर करने को मैं वो करने लगता हूँ तभी वो मुझे नॉक कर देता है और मुझे किल कर देता है। रुक ना मोर मोबाइल ना तोहर चक्कर में। एक ही तरह हमारा बंदा जो है वो घर में छुप के बैठा हुआ आराम से। ऊपर यार ना ना जा ना जाना। ऊपर जो हमारा एक टीममेट है वो फाइट ले रहा है, वो एक घर में है और उसको घेरा हुआ है एक बंदे ने। तो अब हम इसको बोलते हैं कि भाई आप निकलो उधर से और जरा सपोर्ट करो, बट ये इधर एक देखता है बंदा कि इधर जो है बॉम्ब डाला जा रहा है, ग्रेनेड डाले जा रहे हैं, यानी इधर से कोई ना कोई बंदा आएगा या कोई ना कोई मूवमेंट है इधर। अब ये देखता है कि इधर ही वो बंदा है तो ये इसको शूट करने की कोशिश करता है। सेफ जोन जो है वो श्रिंक हो रहा है भैया, ये अभी तक बैठा हुआ है इधर। बड़ूर बंद कर दिया घर मम्मा दीना। शायद हमारे बंदे के पास मेडकिट नहीं है क्योंकि ये हील नहीं कर रहा है बिल्कुल। शॉटगन था शॉटगन कहां बैठे तुम रे आवरा मोर ही आओ माता पे ओदे आगे जा है उसको बंदा देख चुका है हमारे बंदे को और इन्हें शूट कर दिया और हम ये मैच जीत चुके हैं। तो अभी देखते हैं स्कोर कितना हुआ है, सारे लोगों ने कितने किल किए हैं और कितना जो है डैमेज किया है। मांगा मांगा पैर होना लार के मांगा दियो शॉटगन के धैर्य चौदह नहीं तो अबे शॉटगन रह दियो हम गोरो जा रहे हैं। ओ, तो इसमें देखेंगे तो किल्स शायद मैंने सबसे ज्यादा किया और डैमेज भी मैंने ही सबसे ज्यादा किया है।